पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और अन्य प्रदेशों में आजकल गर्मियों की छुट्टियों के चलते हिमाचल के शक्तिपीठों पर उमड़ रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है, जिसके चलते नैना देवी मंदिर क्षेत्र में ये सक्रिय हो गए हैं चैन स्नेचर्स। आपको बता दें कि भारी भीड़ के चलते जब श्रद्धालु मां के गर्भगृह के बाहर दर्शनों के लिए जमावड़ा लगा हुआ होता है कि भीड़ का फायदा उठाते ही चैन स्नेचर गिरोह की महिलाएं पंजाब से आई एक महिला के पीछे लग गई और प्रसाद की टोकरी से उसके गले को ढक लिया और बड़ी होशियारी से सोने की चेन काट डाली। इतनी देर में सोने की चेन नीचे गिरती है और महिला चैन स्नेचर गिरोह इसे उठाता है। उससे पहले अचानक श्रद्धालु महिला के हाथ में चेन आ गई और फिर श्रद्धालु महिला ने गर्भगृह में ही शोर मचाया, लेकिन महिला स्नेचर वहां से भीड़ का फायदा उठाकर भाग गई। लेकिन सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर होमगार्ड के जवान उस महिला की तलाश में जुटे हैं। हालांकि जून महीने में मंदिर के आसपास चेन स्नेचर की कई घटनाएं हो चुकी हैं। नैना देवी मंदिर च बहुत भीड़ रहती है जी। एक जनानी की चैन कटी गई सी, ते वो चैन तो मिल गई पर वो चैन कटने वाली भजन च कामयाब हो गई, ते उन्हों पुलिस वाले हुण लभ रहे ने। ये सारी घटना सीसी कैमरे च कैद हो गई है। जनानी की फोटो सब बिच आ गई है, उन्हों लभ रहे हैं भी कित्थे आ उह। ठीक है, मंदिर रश छुट्टियों के रश होने के कारण भी बहुत भीड़ थी। भीड़ होने के कारण वहाँ एक लेडीज़ की चैन कटेगी, जो कि उसकी अपनी हिम्मत और उसके जो अपनी चैन काटेगी जो उसकी मिलेगी, सोने की चैन थी, बहुत भारी थी। और जो लेडीज़ थी वो सीसीटीवी में कैद हो गई, और जो काटने वाली लेडीज़ थी वो भागने में कामयाब हो गई, उसको पकड़ने की कोशिश जारी है। जय माता।